अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खदीजा स्टेप। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। ये डिश सबको पसंद होती है, छोटों को बड़ों को सबकी पसंदीदा डिश है। बहुत इजी है बनानी। सबसे पहले हम बनाने जाएंगे चिकन को, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने चूल्हे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन हमारे पास बोनलेस है, हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट फ्राई करेंगे। हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऐड करेंगे। अभी हम डालेंगे लहसुन अदरक पाउडर है, साथ में जाएगा नमक, काली मिर्च और रेड मिर्च। अब इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की है वो है ब्लैक पेपर, रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, चिली सॉस, थोड़ा सा पानी। अब इसमें जाएगा सोया सॉस तकरीबन हाफ कप और इसमें जाएगा विनेगर, ये भी हाफ कप। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर, क्या हमारी चिकन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख लें इसकी कैसे हमने रखी है, ना तो इतनी पतली है ना इतनी गाढ़ी। इस टाइम पे हम इसे डिश आउट कर देंगे। उसी बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, एक दो मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्चें, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, इसके साथ में ही सॉल्ट और वाइट पेपर। हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी स्पैगेटीज।
हमारे स्पैकेटीज भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मायो सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मायो, केचप, चिली सॉस, इसमें जाएगा एक चुटकी नमक और ब्लैक पेपर, अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमारे पास अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल, इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे अपना चिकन की ग्रेवी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सोया, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सॉस मायो सॉस, अब हम अपने स्पैगेटीज इसमें ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम दोबारा से अपनी चिकन की ग्रेवी ऐड करेंगे। और मायो सॉस। और ये हमारे सिंगापुरियन राइस बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।